ये नहीं कि मैं सोच के बनाता हूँ कि इस राग पे बनाना है, मगर जो कुछ भी सोचता हूँ, जो कुछ भी मैं करता हूँ, उसकी बैकग्राउंड में ये तमाम क्लासिकल धुनें जो हैं वो होती हैं। और चिंगारी में मैंने एक बिलासखानी तोड़ी भी दी थी, उस पर बेस करके तर्ज बनाई थी, और उसके जो शुरू में फ्लूट के पीस जाते हैं वो पक्के शुद्ध खालिस उसी के हैं, बिलासखानी तोड़ी के, जैसे निखाद और लिखत की संगत भी है उसमें, रेगा रेसा कैसे कहते हैं, रे नी सा रे गा रे सा रे दा दा गा गे गे सा। अब इसे ख्याल क्यों कहते हैं, मेरा अपना जाती राय तो ये है कि पुराने जो मूर्छना मौसीकी थी उनमें ध्यान भी हुआ करते थे, रागों के ध्यान का ये है कि कोई एक राग है, एक उसकी रागनी है, पुत्र हैं उसके भारजे हैं, देवी देवता हैं, तो ये चूंकि मुसलमान इन चीज़ों को एक्सेप्ट ना करते तो उन्होंने जो ध्यान अपने ध्यान रखा तो वो याद इलाही था, तसव्वुफ था। चुनाचे उस ज़माने में जो बनी हैं ख्याल बने हैं उनको बोल भी ऐसे ही, करम की जो करीम, या मोरी अर्ज सुनो दस्तगीर की, या पंजतन पाक दवाज दे मामन, मुझे आजिज़ पर कर्म करो, कर्म करो मेरे परवरदिगार, तो ये सब बातें जो थी ये संगीत में आई हैं, वो ख्याल है। ख्वाजा खुर्शीद अनवर एक आला तालीमी याफ्ता जी शऊर और साहिब तर्ज मौसीकार थे। एम ए फलसफे में गोल्ड मेडलिस्ट का एजाज पाने के बाद वो ऑल इंडिया रेडियो के शोबाए मौसीकी से मुंसलिक हो गए। अपने फिल्मी सफर का आगाज उन्होंने सन 1940 में पंजाबी फिल्म कुड़माई से किया और अपनी पहली ही फिल्म में ऐसी खूबसूरत मौसीकी तरतीब दी कि बड़े बड़े खानदानी मौसीकारों को भी उनकी फनी सलाहियतों का मोतरफ होना पड़ा। मुसलमान यहाँ पे आए, सूफिया कराम यहाँ पे आए, उनके साथ कवाल आए, खानकाहों में उन्होंने प्रचार किया, इस्लाम का प्रचार किया, तो उन्होंने यहीं की धुनें ली, मगर उनको अपने ईरानी जो उनका निज़ाम था मौसीकी का, जैसे मकाम मौसीकी का, उसके मुताबिक। फिल्मी हलकों में बाज़ मौसीकारों को उर्दू फिल्मों के लिए मौजू समझा जाता है और बाज़ को पंजाबी फिल्मों के लिए, लेकिन ख्वाजा खुर्शीद अनवर को उर्दू और पंजाबी दोनों में यकसा मलिका हासिल था। अपनी पहली फिल्म कुड़माई के तकरीबन 28 साल बाद जब उन्होंने पंजाबी फिल्म गुड्डो की मौसीकी बनाई तो बिल्कुल ये एहसास नहीं हुआ कि वो एक तवील अरसे के बाद पंजाबी फिल्म की मौसीकी तरतीब दे रहे हैं, बल्कि अब ये दे यही राग ले लीजिए, कौन सी कानड़ा जो राग है, ये मुसलमानों का बनाया हुआ दरबारी कानड़ा, कौसी कानड़ा और सभी काने हुसैनी कानड़ा, ये सब मुसलमानों के बने हुए राग है। और जो कानड़ा है, जो असल कानड़ा ग्रंथों का, वो इससे मुख्तलिफ है। वो लोग इसे खमाज ठाठ में गाते थे, उनका कन्नाक ठाठ जो था वो खमाज ठाठ था, जो जिसे हम आजकल खमाज ठाठ कहते हैं, तो बिल्कुल और चीज़ है। ये हमारा कानड़ा और हमारी जो दरबारी, ये ग्रंथों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये घरानों की दरबारी है। ये कौन सी कानड़ा जो आपने बजाया है, ये मुसलमान घरानों का कौन सी कानड़ा है, और मैंने इसी कौन सी कानड़े से फिल्मी धुन बनाई। मेरी एक पिक्चर थी चिंगारी, उसमें था रोशनियों के शहर बता, कि ये दबिस्तान, ये तरीका गाने का अमीर खुसरो के ज़माने में उनकी वजह से प्रचलित हुआ, यानी शुरू हुआ, तरवीज हुई। तो इसी सिलसिले में रागों की दर्जा बंदी करके तो आइंदा मौसीकी चली। फिर आ जाता ख्याल, जो ख्याल वहाँ भी गाया जाता है, यहाँ भी गाया जाता है, और आजकल ख्याल ही गाते हैं, धुन तो ख़त्म हो गए। अब ये ख्याल के मुतल्लिक वही आचार्य बृहस्पति फरमाते हैं कि ये मुसलमान सूफियों की तरफ से भारतीय संगीत को देन है, ये हम ही ने उन्हें दिया, मुसलमान सूफियों के जरिए उन तक पहुँचे। मियां की तोड़ी के पहली पहली पिक्चर नहीं थी, इंतज़ार में, जिस दिन से पिया दिल ले गए, कुछ ऐसे बोलते हैं, कतील साहब ने लिखे थे, बहुत अच्छे शेर थे उनके, मगर वो राग रागनी है जो थी उनकी, और उनके वो पुत्र भारजा थे, और वो जो ध्यान थे वो भी साथ साथ चलाने की कोशिश की। और इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी चीज़ श्रुति जिसे कहते हैं, उन्होंने राग एक सुर के 7 दर्जे मुकर्रर किए थे, ये ठीक है,
कि हम जब एक चीज को गाते हैं तो अजहार एक्सप्रेशन में वो सभी दर्जे लग जाते हैं, किसी न किसी दर्जे में वो सुर लगता है, मगर उन्होंने एक मुस्तकिल आहंग, मुस्तकिल नोट की शक्ल बना दी, उनके नाम रख लिए। उसका नतीजा यह हुआ कि मकाम निजाम में चूंकि ये बातें नहीं थी तो उनके लिए वो पुरानी चीजें समझनी मुश्किल हो गई। दूसरा नतीजा यह हुआ कि सुर अपनी जगह से हट गए। मसलन हमारे यहाँ मियाँ की मलार में मादा नीदा नीसा जाता है, नीदा नीसा। अब ये नीदा नीसा जो है ये दक्कन का अगर पंडित जो कहेंगे तो उनके लिए कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कहाँ कई ऐसी बात है कि उनका धेवे एक ऐसे दर्जे का है जो हमारी नखात है।